इटावा पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह, बीजेपी को बताया शमशान बनाने वाली विचारधारा की पार्टी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में 85 सीटें मिलने से उत्साहित आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की शमशान बनाने वाली विचारधारा को खत्म करने की रणनीति है, जिसमें पार्टी हर हाल में कामयाब होगी। इटावा के एक निजी दौरे पर आए संजय सिंह ने सिंचाई विभाग के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि इसके लिए पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी की मंशा भाजपा की शमशान बनाने वाली विचारधारा को पूरी तरह से खत्म करने की है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से लाए गए ड्राफ्ट में कई खामियां हैं। संजय सिंह ने कहा कि ये कौन सा कानून है जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे वाला प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद नहीं बन सकता, लेकिन विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए सबसे पहले 2 से ज्यादा बच्चे वालों को एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऐसे 153 विधायक हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, पहले उनकी सदस्यता खारिज करनी चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर संजय सिंह ने कहा कि धार्मिक आस्था के साथ ही लोगों की जान बचाना भी जरूरी है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो कुंभ पर रोक लगाई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी विचार करना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात पर बोले कि अखिलेश जी को जन्मदिन की बधाई देने गया था, साथ ही पंचायत चुनाव में प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करवाई है, उस पर बात हुई लेकिन गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, जब भी होगी तो उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। कि दो विचारधाराएं हैं, एक पार्टी है जो कहती है कि आपको शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए, एक पार्टी है जो कहती है स्कूल अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो शमशान बनाने वाली विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता इस बार शमशान में जाके तिलांजलि देगी, और अस्पताल और स्कूल बनाने वाली, फ्री बिजली बनाने देने वाली, बेरोजगारी भत्ता देने वाली, ऐसी विचारधारा को लाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी क्या होगा ये तो मैदान में उतरेंगे तो पता चलेगा, जनता के हाथ में है, लोकतंत्र में वही मालिक है। मैं अपनी ओर से कोई लक्ष्य निर्धारित करना ठीक नहीं समझता, क्योंकि 2013 में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये टोपी वालों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। जनता ने प्यार दिया, सरकार बनाई 13 में, 15 में कहते थे इनका पता नहीं चलेगा, हमारी 67 सीटें आईं। फिर कहते थे कि साहब शाहीन बाग है, ये है, वो है, दुनिया भर के मुद्दे उठा के इनको हरा देंगे, फिर 62 सीटें आईं। तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह का समर्थन हमें मिल रहा, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हमें 85 सीटें जिला पंचायत में मिल जाएंगी। तो मैं कोई आंकड़ा या आकलन अपनी ओर से करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी में जितनी तेज़ी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे नौजवान, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। गांव-गांव में लोग जुड़ रहे हैं, कोई फ्री बिजली के नाम पे जुड़ता है, कोई शिक्षा के नाम पे जुड़ता है, कोई केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल के मॉडल पे जुड़ता है। तो इस विचारधारा को हम जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे, मुझे लगता है हमारी सफलता का पैमाना वही होगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।